सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो जैसा मैंने कहा था कि इस महीने में किलर के ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, किलर्स के ऊपर इस महीने से। तो पहले किलर के साथ आ चुका हूँ, वो है ट्रैपर। सो ट्रैपर सबसे पहले हर किसी को फ्री में मिलता है, ट्रैपर और हिलबिली। तो मैं ट्रैपर से शुरू करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ट्रैपर का डिस्क्रिप्शन दिया जाए। ट्रैपर का बेसिक जो पावर है वो है बियर ट्रैप्स, उसका पावर बियर ट्रैप्स है। और ये 4.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलता है और इसका टेरर रेडियस 32 मीटर्स होता है। और ये एक टॉल किलर है, बाय द वे इतना ही इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन है। मैं किसी भी किलर के जो बैक स्टोरी है उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो बैक स्टोरी है कुछ किलर्स का बहुत ज़्यादा पेनफुल है और कुछ किलर साइको है, इसलिए वो किलर्स है। इसलिए मैं इनके बैक स्टोरी के बारे में बात नहीं करूँगा। अब ट्रैपर के पर्क्स के बारे में बात कीजिए। पहला पर्क है अननर्विंग प्रेजेंस। इसलिए क्या होता है, जब भी कोई सर्वाइवर तुम्हारे टेरर रेडियस में होता है, वो कोई रिपेयरिंग या हीलिंग काम करता है, तो ट्रिगर मतलब जो स्किल चेक है वो ट्रिगर होने का चांस 10% से बढ़ जाता है और स्किल चेक 60% छोटे होते हैं। इतना ही होता है इसमें। तुम डॉक्टर के साथ इस पर्क को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो अपना टेरर रेडियस अपने मुताबिक यूज़ कर सकता है, मतलब एक्सटेंड डिक्रीज कर सकता है। अब जो दूसरा आता है वो है ब्रूटल स्ट्रेंथ। बेसिकली पैरलेस तोड़ने का, ब्रेकेबल वॉल्स तोड़ने का, जनरेटर डैमेज करने का, तुम्हारा जो स्पीड है वो 20% से बढ़ जाता है। इतना ही है इसका। ब्रूटल स्ट्रेंथ चेस के लिए इसमें बहुत ज़्यादा काम में आता है। दूसरा है एजिटेशन। जब भी तुम किसी को कैरी करते हो तो तुम्हारा जो स्पीड है वो 18% से बढ़ जाता है, तो तुम्हारा जो टेरर रेडियस है वो 12 मीटर से बढ़ जाता है। और ये बैकपैक मतलब बिल्ड के लिए बहुत बढ़िया होता है। बैकपैक बिल्ड मतलब एजिटेशन के साथ आयरन ग्राफ्स, तो तुम आराम से किसी को भी तुम बेसमेंट में ले जा सकते हो, वहाँ पर जगह हुक कर सकते हो। बेसिकली कैंपिंग बाबा और बेसमेंट ट्रैपर्स ये बिल्ड यूज़ कर सकते हैं और करते भी है। और किलर में एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि किलर सीखने में तुम लोगों को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिकली हर किलर के लिए तुम्हें दूसरे किलर्स का पर्क अनलॉक करना पड़ता है, इसलिए किलर सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं ट्रैपर में जो पर्क सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं उनके बारे में बात कर लूँ। पहला जो पर्क है वो है करप्ट इंटरवेंशन, जो कि प्लेग का पर्क होता है। दूसरा जो पर्क है जो ट्रैपर में बहुत बढ़िया काम में आता है वो है स्लॉपी बूचर। स्लॉपी बूचर बेसिकली हर किलर में काम में आता है, वो हीलिंग मतलब स्लो कर देता है, हील होने में टाइम लगता है। और जो जेन रिग्रेशन पर्क्स है वो स्कॉर्चिंग और पेन रेजेंस एंड पॉप, ये सभी किलर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाय द वे मेटा है। अब जो पर्क ट्रैपर या किसी भी वीक किलर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो है सेव द बेस फॉर लास्ट, जो कि माइकल मायर्स का पर्क होता है। बेसिकली क्या होता है, एक सर्वाइवर को हिट करने के बाद तुम्हारा जो वेपन साफ करने का एनिमेशन होता है वो जल्दी होता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये पर्क मैंने ओल्ड डीवीडी में अनलॉक किया था, जब तुम्हें फ्री ऑरिक सेल्स मिलते थे तब मैंने माइकल मायर्स को खरीदा था। अभी माइकल मायर्स को तुम्हें कैश यानी ओरिजिनल पैसे से खरीदना है, या फिर किसी भी कैरेक्टर को 6 टाइम प्रेस्टिज करने के बाद जो ऑरिक सेल्स मिलते हैं उनसे तुम्हें करना है। बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि तुम अभी किसी भी किलर को ऑरिक सेल से खरीदने मत जाओ, क्योंकि इन फ्यूचर एक और किलर आने वाला है ज़ेनोमॉर्फ, और उसका जो रैपिड ब्रूटैलिटी है वो एक्चुअली इस पर्क से और बढ़िया काम करता है वीक किलर्स में। तो सेव द वेस्ट फॉर लास्ट और रैपिड ब्रूटैलिटी दोनों वीक किलर्स में बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो अभी के लिए कोई भी पेड किलर मतलब ऑडिक्सल वाले किलर को खरीदने मत जाओ, मैं इतना सजेस्ट करूँगा। इन फ्यूचर खरीदने जाओ, मैं इन फ्यूचर एक और वीडियो बनाऊँगा कि कौन से पेड किलर्स को तुम्हें खरीदना चाहिए, कौन किस किस को नहीं। अब एडॉन्स के बारे में बात करते हैं। पहला एडॉन जो पहले दो एडॉन्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है ब्लडी कॉयल। ब्लडी कॉयल बेसिकली क्या कहते हैं, जब कोई हेल्दी सर्वाइवर ट्रैपर के ट्रैप को डिजार्म करता है तो वो अपना हेल्थ स्टेट लूज करके इंजर्ड होता है। सिर्फ हेल्दी सर्वाइवर्स के ऊपर ये एडॉन काम करता है, इंजर्ड सर्वाइवर्स के ऊपर नहीं। फिर आता है इरिडेशन स्टोन। इरिडेशन स्टोन बेसिकली क्या करता है, हर 30 सेकेंड्स में एक रैंडम इनएक्टिव ट्रैप को ये एक्टिव करता है, हर 30 सेकेंड्स में। ये बहुत बढ़िया ट्रैपर का पर्क है, पर्क बोल रहा हूँ एडॉन है, क्योंकि बेसिकली तुम अपने ट्रैप्स को सेट कर दो, सर्वाइवर्स उसको डिजार्म कर दे, लेकिन तुम्हें उनके एक्टिव करने जाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद आता है हॉनिंग स्टोन। हॉनिंग स्टोन बेसिकली क्या करता है, जब भी तुम किसी ट्रैप में फंस जाते हो, मतलब सर्वाइवर फंस जाता है, वो ट्रैप से छूटे या उसको छूटवाए भी वो डाइंग स्टेट में रिलीज होता है। ऑयली कॉयल भी तो थोड़ा बहुत काम कर रहता है, लेकिन वो मुझे बेकार है। टेंशन स्प्रिंग ये बहुत बढ़िया होता है, अगर कोई सर्वाइवर ट्रैप से खुद ब खुद निकलता है तो वो ट्रैप 2 सेकंड बाद खुद ही फिर से रीसेट हो जाता है, इतना जान लो। अब जो एक एड ऑन मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो है ये फास्ट ट्रेनिंग टूल्स।
इससे क्या होता है कि ट्रैप सेटअप करने का स्पीड तुम्हारा 50% से बढ़ जाता है, और ट्रैप से बाहर निकलने का जो चांस होता है सर्वाइवर का वो 25% से डिक्रीज हो जाता है, मतलब 25% ज़्यादा उनको टाइम लगता है एक ट्रैप से निकलने में। फिर जो एड ऑन है यह है रस्टेड जॉ, ये बेसिकली मैंगल स्टेटस इफेक्ट देता है। इसके साथ एक और एड ऑन लेके तुम स्लॉपी बूचर रख सकते हो, सेकेंडरी कॉयल। बेसिकली सर्वाइवर्स को ज़्यादा टाइम लगता है ट्रैप्स को डिजार्म करने में, ये तुम्हारा वो फास्टिंग टूल्स के साथ बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं ज़्यादातर टाइम इन दोनों एड ऑन्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करता हूँ, ये भी बहुत बढ़िया होता है। टार बॉटल बेसिकली ट्रैप्स को और ज़्यादा डार्क कर देता है। मैप्स लाइक मैकमिलन एंड ऑटो हेवंस, मतलब जो डार्कर मैप्स हैं उनमें ये एड ऑन बहुत बढ़िया काम करता है। फिर दूसरे एड ऑन्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो एड ऑन है वो है ट्रैपर बैग, ये बेसिकली तुम्हें एक एक्स्ट्रा ट्रैप कैरी करने में मदद करता है, और तुम जब गेम में स्पॉन होते हो तो एक एक्स्ट्रा ट्रैप के साथ स्पॉन होते हो। इसके साथ इरिडेशन स्टोन बहुत बढ़िया कॉम्बो होता है, टू बी ऑनेस्ट बहुत बढ़िया कॉम्बो होता है। पर्पल वाला जो ऊपर है, जस्ट ऊपर जो बैग है ट्रैपर बैग, वो भी तुम यूज़ कर सकते हो, वो भी बढ़िया होता है। ना फोर कॉल स्प्रिंग किट, मुझे ये बढ़िया नहीं लगता एड ऑन। मैं एक्चुअली एक और एड ऑन ढूंढ रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वाला है, मुझे वो वाला एड ऑन चाहिए डिस्क्राइब करने के लिए। ये वाला है क्या, वो वाला एड ऑन, हाँ ये वाला है, ये डीप वुंड नहीं, ये वाला है हेमोरेज, ये वाला हेमोरेज देता है। तो तुम बेसिकली दूसरा जो ट्रैप वाला है, ट्रैपर वाला एड ऑन मैंने देखा है जो मैंगल स्टेटस इफेक्ट देता है, इन दोनों को मिलकर तुम स्लॉपी बूचर एज ए एड ऑन कैरी कर सकते हो, मतलब तुम 5 पर ट्रैपर बना सकते हो। अब जो दूसरा है ये तो हेमोरेज देता है, दूसरा एक और एड, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ ये वाला मैंगल वाला एक एड ऑन मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। रुको ज़रा इसको कैंसिल कर लेता हूँ, बात करके आता हूँ इसके साथ, बाद में खेलूँगा इसके साथ। ओके तो मैं एड ऑन्स के बारे में बात कर रहा था, तो ये वाला बेकार है, ज़्यादा जल्दी ट्रैप सेट कर सकते हो। बाय द वे वो ग्रीन वाला बेटर होता है, ये तो एकदम ही बेकार है, सिर्फ ब्लड पॉइंट देता है। हाँ ये वाला है, ये वाला एड ऑन क्या करता है, इरिगेशन स्टोन के साथ बहुत बढ़िया होता है। बेसिकली तुम ट्रैप्स के ऊपर चल के जा सकते हो, जैसे ही ट्रैपर अपने ट्रैप्स के ऊपर पैर रखता है वो डिजार्म हो जाता है, तो ट्रैपर अपने ट्रैप में नहीं फंसता है। लेकिन ये एज ए चेस बिल्ड के साथ बढ़िया काम में आता है, कि तुम चेस करना चाहते हो सर्वाइवर्स के उसके साथ। ये एड ऑन बेसिकली ट्रैप प्लेस करने का साउंड रिड्यूस करता है, क्योंकि स्टिल्थ ट्रैपर के साथ काम करता है। वैक्स ब्रेक बेकार है। ओके और ज़्यादा एड ऑन के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, अब मैं एक बिल्ड बना के तुम लोगों को कस्टम में एक मैच दिखाता हूँ। रुको ओके मेरा बिल्ड रेडी हो चुका है, तो अब मैं ट्रैपर के स्ट्रॉन्ग मतलब जो मैप्स होते हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो पहले जो मैप्स है वो है मैकमिलन मैप, जो कि ट्रैपर के साथ आए थे, उसके सारे के सारे मैकमिलन मैप स्ट्रॉन्ग होते हैं ट्रैपर के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रास होता है वो टॉल होता है, और ऊपर से डार्क मैप होने के कारण दिखते नहीं है ट्रैप्स ज़्यादातर। ब्लड लॉज, गैस हेवन और ऑटो हेवन रेकर्स में से मैं बोला, ब्लड लॉज एंड ऑटो हेवन रेकर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेकर्स यार्ड ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू गैस हेवन, क्योंकि गैस हेवन बहुत बड़ा मैप होता है और उसमें कुछ जगह ऐसे है जहाँ पर ट्रैपर्स के ट्रैप इजीली दिखते हैं, तो गैस हेवन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। रेकर्स यार्ड एंड ब्लड लॉज, इन दोनों ये दोनों मैप्स बढ़िया होते हैं। और यहाँ पर अगर आ जाऊँ तो कोल्ड विंड फार्म के जो मैप्स हैं उनमें से मैं बोलूँगा हाँ रैंसिड एबेटोर एंड रॉटन फील्ड्स, ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू अदर मैप्स, ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। रॉटन फील्ड्स बेसिकली क्योंकि जो कॉर्न फील्ड है उसके बीच में ट्रैप्स इससे दिखते नहीं है, तो ड्यूरिंग चेस ट्रैप्स में ज़्यादातर सर्वर फंसते हैं। थॉम्सन हाउस में भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, मतलब आइसोलेशन के काम में, लेकिन ज़्यादा तुम ट्रैप डिपेंडेंट नहीं खेल सकते थॉम्सन हाउस में, जो कि बेसिकली रीज़न है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आइसोलेटेड एरियाज नहीं है। अब जो यामाओका स्टेट में है वो फैमिली रेसिडेंस, फैमिली रेसिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग मैप है ट्रैपर के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही नैरो पाथवेज होते हैं, तो ट्रैपर का ट्रैप अगर सेट हो जाए तो वहाँ से सर्वाइवर्स आसानी से नहीं निकल सकते। कुछ जगह ऐसे है जहाँ पर तुम कुछ जेंट्स को टोटली आइसोलेट कर सकते हो ट्रैप प्लेस करके, और बाय द वे ट्रैपर को एक बफ मिला है जिसमें उसके ट्रैप नंबर ऑफ ट्रैप्स को इंक्रीज कर दिया गया है, तो तुम ज़्यादा ट्रैप्स मतलब स्पेंड कर सकते हो ट्रैपिंग के लिए, जो कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग मैप लगता है पर्सनली, बहुत डिस्टर्ब वार्ड क्रॉटर्स प्लेन एसआईएलएम का डिस्टर्ब वार्ड मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैप लगता है ट्रैपर में, सॉरी मैं हकला क्यों रहा हूँ, और फादर कैम्बल्स चैपल, ये दोनों मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं।
उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर टॉल ग्रास भी होता है और नैरो पथवेज होते हैं और ऐसे रहते हैं कि तुम आसानी से तीन चार जेंट्स को अपने कंट्रोल में रख सकते हो ट्रैप प्लेस करके। पेल रोज भी स्ट्रॉन्ग मैप है ट्रैपर के लिए क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर भी पाथवेज बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं और ट्रैप्स आसानी से दिखते नहीं है क्योंकि बहुत डार्क मैप है। उसके अलावा ट्रीटमेंट थिएटर स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी डेड ऑफ सलून स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यह छोटा मैप है तो बेसिकली हर किलर के लिए यह मैप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये भी बढ़िया मैप है ट्रैपर के लिए लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जो बाकियों के बारे में बोला। और इसके अलावा ट्रैपर के कोई और स्ट्रॉन्ग मैप्स है नहीं और कोई स्ट्रॉन्ग मैप्स है नहीं। तो अब इसे चेक कर लूँ कोई मैप छूट ना जाए। हाँ, मैं डिस्टर्ब वर्ल्ड में गेम प्ले दिखाने वाला हूँ कस्टम है बॉट्स के अगेंस्ट। इसका एक वीडियो भी है जो मैंने पहले खेला है रैंक्स में, तो मैं वो वीडियो भी लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, तुम लोग वहाँ से देख लेना। तो अब एड ऑन सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लूँ या वीक लूँ, नहीं थोड़ा वीक लेता हूँ। कौन से एडवांस लूँ, नहीं खैर छोड़ो, मैं वो पुराना वाला मतलब जो सेटअप लेके इस मैप में रैंक्स खेले तो वो वाला ही लेता हूँ तो एक्सेलेंट करने में मुझे प्रॉब्लम कम होगा। अरे खुलना भाई, हाँ ये वाला सेटअप भी मैंने लिया था, नहीं ये तो मैंगल वाला है छोड़ो। और हाँ, जो क्रोटस प्रिन एसाइलम मतलब डिस्टर्ब वर्ल्ड और फादर्स कैंपल्स चैपल के जो ऑफरिंग रहता है वो ये वाला रहता है, मैं दिखा देता हूँ ऑफरिंग, ये वाला रहता है चार्ड वेडिंग फोटोग्राफ। इस ऑफरिंग को यूज़ करने से तुम इन दोनों मैप्स में से किसी एक मैप में जा सकते हो, समझ गए। ओके तो फिर चलो गेम में जाया जाए, अब गेम को चालू करते हैं। बाय द वे यहाँ पर ऑफरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम तो कस्टम मैप सेट कर ही रहे हो तो ऑफरिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्यों मुझे अगर वो वाला स्पॉन मिल जाए ना जो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर दिखाने के लिए, क्यों मुझे ये मैप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है ट्रैपर के लिए और बफ ट्रैपर के लिए। अभी अगर तुम ट्रैप सेट करोगे ना तो तुम्हें 5% हेस्ट बूस्ट मिलता है फॉर 2 सेकंड्स या 5 सेकंड्स के लिए। अरे जा बॉट यहाँ से। तो अभी ट्रैप यहाँ पर सेट करते हैं, ये एक ट्रैप। मैं बहुत दिनों से गेम खेल नहीं रहा हूँ, मैं बॉट मोड में खेल रहा हूँ सभी मतलब क्या बोलूँ किलर्स को बफ करने के लिए, बफ नहीं सॉरी प्रेस्टिज करने के लिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा गंदा खेल रहा हूँ। ओके लो प्रूफ मिल गया मैं कैसे गंदा खेल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गंदा खेलने वाला हूँ। अरे दूसरा वाला स्टेयर किस कहाँ पर गया, मैं घूम फिर के वहाँ पर वापस आ रहा हूँ। अरे इतना बेकार हो गया बॉट मोड खेलते खेलते। ओके ये रहा मैंने नोटिस नहीं किया था। ओके ट्रैप सेट करते हैं यहाँ पर, और देख ही सकते हो जैसे मैं ट्रैप सेट करता हूँ मुझे स्पीड बूस्ट मिलता है, ये 5 सेकंड्स के लिए रहता है, 5% स्पीड बूस्ट नॉट 2 सेकंड्स में। और हाँ, इन दो जगह पर ट्रैप सेट करने के बाद ना हमेशा इन लॉकर्स को चेक कर लेना, मतलब पकड़ लो ट्रैप फिर से तुम रीसेट करो यहाँ पर आके, इन दो लॉकर्स को चेक कर लेना यहाँ पर, हमेशा सर्वाइवर्स हाइड करते हैं और इन जगहों में भी इन क्रैक एरियाज में भी सर्वाइवर्स हमेशा हाइड करके रहते हैं, छुपे रहते हैं, तो इन जगहों को भी चेक कर लेना। अब नीचे जाते हैं, नीचे जाकर और दो ट्रैप्स ले लेते हैं। और अगर तुम लोग बिल्ड्स बना रहे हो ना नए बिल्ड्स और तुम्हें ट्राई करना है, लेकिन कभी कभी होता है कि रैंक्स में अगर नए कोई सेटअप ट्राई करने जाते हो तो ठीक ठाक काम नहीं करता, तो हमेशा कस्टम मोड के जो बॉट्स हैं ना उनके अगेंस्ट ट्राई करना क्योंकि ये थोड़ा स्मार्ट होता है कंपेयर टू जो बॉट मोड के बॉट्स होते हैं। बॉट मोड के जो बॉट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा लल्लू होते हैं टू बी ऑनेस्ट, बहुत बेकार खेलते हैं वो लोग। कस्टम के बॉट्स फिर भी थोड़ा मतलब क्या स्किल चेक कम मिस करते हैं। अभी देखो इस ट्रैप को मैंने गलत सेट किया है, हमेशा ट्रैप को मिडिल में करना, अगर तुम ज़्यादा राइट या लेफ्ट में करोगे ना तो एक साइड से सर्वाइवर्स अंदर आ जा सकते हैं बहुत जल्दी, तो हमेशा ट्रैप्स को मिडिल में सेट करना। यहाँ पर भी मिडिल में सेट करेंगे हम लोग, थोड़ा और आगे, हाँ एकदम मिडिल में। तो क्या होता है ट्रैप के अंदर ना सर्वाइवर वैक्यूम हो जाते हैं, जैसे ये देखो मैं एज ए ट्रैपर भी वैक्यूम हो जाता हूँ और सर्वाइवर्स वैक्यूम होकर अंदर आ जाते हैं ट्रैप के, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तुम लोग चाहो तो क्योंकि अभी ट्रैप्स बहुत ज़्यादा है तुम इस वाले जनरेटर को भी ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करता, बॉट मोड है तो प्रीफर नहीं कर रहा। चलो और एक और ट्रैप ले लिया है, और जितना जल्दी हो सके ना मैप के दूर वाले जो ट्रैप्स हैं उनको जल्दी एक्वायर करने की कोशिश करना क्योंकि ये बहुत दूर रहते हैं तो तुम्हें एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है।
अर्ली गेम थोड़ा बेकार जाता है ट्रैपर का, हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि तुम्हें एक जन जाने देना ही पड़ेगा ट्रैपर में। 5 जन्स लेकर तुम हाई टीयर्स में नहीं जीत सकते, कभी नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग किलर्स लाइक ब्लाइट और नर्स भी हम लास्ट जेन तक आ जाता है स्ट्रॉन्ग, मतलब हाई टीयर्स में। तो ऐसा मत सोचना कि नहीं मैं ट्रैपर लेकर भी 5 जेंस लेकर जीत सकता हूँ हाई टीयर्स में, कभी मत सोचना। ओके एक और कर, 1 मिनट। वह ऊपर कैसे पहुँचे वो, ज़रूर कहीं पर ट्रैप प्लेसमेंट गलत हुआ है। मैंने कहा था कि मैं बहुत दिनों से बॉट मोड खेल रहा हूँ किलर्स को जल्दी जल्दी प्रेस्टिज करवाने के लिए। कोई फंसा है यहाँ पर, कोई कर रहा है। और कस्टम के बॉट्स जो होते हैं ना, वो हमेशा 3 जेन तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उन जेनरेटर्स को वो सबसे पहले कहते हैं जो 3 जेन क्रिएट कर सकते हैं। ओके अब पहला जो पर्क यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला वो है तुम्हारा स्कॉर्च को पेन रेजोनेंस। ये जो सबसे मोस्ट प्रोग्रेस जेन है उसको 25% रिग्रेस कर देता है। ये वाला हो गया, ठीक है। ओके इस वाले ट्रैप को मैं रीसेट कर दूंगा, रीसेट हो जाए, हो गया। अब ऊपर जाएंगे, ये वाला ट्रैप तो सही है, ऑलमोस्ट मिडिल में, हाँ नहीं मिडिल में ही है, मैं निकल नहीं सकता, वैक्यूम हो रहा है। तो क्या उस वाले ट्रैप को प्लेसमेंट गलत किया है मैंने, इसको पहले पॉप दे देता हूँ। ओके पॉप, ओ मैं पॉप नहीं लाया हूँ, तो इरप्शन देता हूँ। बाय द वे सेव द वेस्ट फॉर लास्ट की जगह तुम पॉप ले सकते हो। ये देखो यहाँ पर ज़्यादा लेफ्ट में प्लेस किया है, इसके वजह से वो आ पाए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे पास दोनों ट्रैप्स है इसलिए मैं यहाँ पर ट्रैप पिक नहीं करना कर नहीं पा रहा। तो फिर इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ ट्रैप से, ये वाला ट्रैप ब्लॉक हो गया। इस वाले को उठाते हैं, मेरा गेम प्ले बहुत बिगड़ चुका है, किला में पहले ही बेकार था थोड़ा बहुत, अब तो और बेकार हो चुका है। हाँ मिडल में फिर से ज़ीरो से सीखना चालू करना पड़ेगा। बॉट मोड खेलने का यही हालत होता है कि तुम्हारा गेम प्ले बहुत बिगड़ जाता है। ओके यहाँ से मैं नीचे उतर सकता हूँ, कस्टम के बॉट्स थोड़ा दिमाग वाले होते हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्किल चेक बहुत लेस मिस करते हैं कंपेयर टू बॉट मोड्स के जो बॉट होते हैं। यहाँ पर ट्रैप ना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं घूम सकता हूँ आराम से क्योंकि वो एरिया टोटली आइसोलेट हो चुका है। इसको इरप्शन के अंदर लाता हूँ, और मैच में हमेशा अर्ली चेस के दौरान इतना ध्यान रखना, अर्ली जो चेस लोगे ना उसमें 2-3 पैलेट्स तुम अपने फेस में खा लेना, टू बी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि फिर सर्वाइवर्स को लगता है कि अगर फंस गया, क्योंकि सर्वाइवर्स को लगता है कि तुम पैलेट रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो लोग जल्दी जल्दी पैलेट ड्रॉप करते हैं। इससे क्या होता है, तुम बाद में जब चेस लोगे और अदर पैलेट्स को मतलब डॉच करने की कोशिश करोगे ना, उससे तुम जल्दी जल्दी रिसोर्स कंज्यूम करवा सकते हो सर्वाइवर्स से। ओके अब ये चीज़ कभी मत करना, किसी सर्वाइवर को ऊपर से नीचे मत उतरना अगर बॉयल ओवर रहता है तो। यहाँ पर बॉट्स है जो कि किसी भी पर्क्स को लेकर स्पॉन नहीं होते, इसलिए मैंने ये चीज़ किया, वरना कभी मत करना, बॉयल ओवर रह सकता है। तो हमेशा सीढ़ी से उतरना, हुक करना, बाद में जाना उस ट्रैप को रीसेट करना। ओके इधर कोई जा रहा है, जाने दो। अब हमेशा पैलेट्स को ब्लॉक करते वक्त ट्रैप को अंदर की तरफ देना, बाहर की तरफ नहीं, तो सर्वाइवर्स आसानी से उस ट्रैप में फंसते हैं पैलेट मतलब किलर को पैलेट स्टन करने के लिए। ओके ये बिल है, बिल बॉट है। ओके ये वाला ट्रैप्स अवॉइड कर रहा है, कोई फंसा है ट्रैप। ओ मेरा गेम प्ले बिगड़ा है टू बी ऑनेस्ट। कस्टम के बॉट्स का ये बढ़िया लगता है, ये एक ही लूप के आसपास घूमते रहते नहीं है, ये लूप कनेक्ट करवाते हैं, बहुत बढ़िया लूप कनेक्ट करते हैं। मेरा गेम प्ले बहुत बिगड़ा है, मैं अभी किलर्स को प्रेस्टिज करवाऊँ टोटली बॉट मोड खेल खेल के, तो मेरा गेम प्ले बहुत बेकार हो चुका है किलर में। पहले भी बेकार था थोड़ा बहुत, अब तो और ज़्यादा बेकार हो चुका है। वो उधर जा रहा है, मुझे वापस उधर जाना है, इसको स्लग करके वो वाला ट्रैप रीसेट करके मैं भगाता हूँ वहाँ से सर्वाइवर्स को, सर्वाइवर बॉट्स को बेसिकली।
ये वाला ट्रैप रीसेट करता है, ऊपर से उतरा है। और ट्रैपर का एक चीज़ है कि वो ट्रैप सेट करने के बाद ना उसकी इम्यूनिटी मिलता है फॉर ब्रीफ सेकंड, तो वो उस वक्त किसी भी ट्रैप्स में फंसता नहीं है। बाय द वे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, रैंक मैच जिसके बारे में बोल रहा था, तुम लोग देख सकते हो कितना आराम से मैं वो मैच जीत गया था। ट्रैपर में हमेशा तुम्हें माइंड में रखना है कि तुम्हें मैप को दो हिस्से में बांटना है अपने ट्रैप्स से। ऐसे बांटना है कि तुम अगर चेस लोगे तो आराम से सर्वाइवर्स को पकड़ सकते हो, और अगर तुम दूर भी चले गए हो तो इतना हो सकता है कि तुम्हारे ट्रैप सर्वाइवर्स को जेन करने में या किसी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवर्स करने में ब्लॉक कर पा रहे हैं। ओके, वो फार जो ट्रैप है ना उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई फंस चुका है, छूट भी गया है। ना, हाँ वहाँ से छूट भी गया है। ओके चलो इसको फिर से रीसेट कर देते हैं। यही होता है, अंदर की तरफ करोगे तो वो ना देख के चले जाते हैं और ट्रैप में फंसते हैं। यहाँ पर कौन है? जोना, ये भी है जैना वाला, चल मार का। एक यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके विस्फोट हो, उन जेंट्स में कोई नहीं था। पहले जोना को हुक करते हैं। मैं बाद में एक टिप एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में मैं किलर में कैसे मून वॉक करते हैं, कैसे रेडस्टोन छुपाते हैं, वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, अभी इस वीडियो में नहीं करने वाला। ओके इस ट्रैप को लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ से बहुत दूर बैठा हुआ है ये। मैंने बिल को यहाँ पर स्लग किया था ना, याद नहीं आ रहा। हाँ बिल यहाँ पर ही है। अबे यार अनुख होते फंस गए फिर से। ठीक है चलो, इसको यहाँ पर कोई स्कॉर्चुक नहीं है तो इसको यहाँ पर हुक करता हूँ। और यहाँ पर एक ट्रैप सेट होता है बहुत बढ़िया, जो सर्वाइवर्स आसानी से नोटिस नहीं करते फंसते हैं, लेकिन ये बॉट्स से नहीं फंसेंगे शायद। हाँ ये वाला ट्रैप, ये ग्राउंड के अंदर चला जाता है थोड़ा, तो सर्वाइवर्स आसानी से नोटिस नहीं करते। छूट गया बंदा। फिर से इसको लेंगे हम लोग इरप्शन के अंदर। और जोना इस वाले में फंसा था, इसको रीसेट करता हूँ। रुक को जाओ जोना। ओके जोना भाग 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 जोना भाग। उस वाले में कोई था। इरप्शन यही बढ़िया कहता है कि तुम्हें इन्फो बहुत देता है, और बढ़िया पर्क है इरप्शन। इसके साथ पॉप का कॉम्बो रख सकते हो, तो पेन रेस इरप्शन एंड पॉप, इन तीनों का कॉम्बो तुम यूज़ कर सकते हो ट्रैपर में, क्योंकि ट्रैपर में तुम बहुत ही स्मॉल एरिया में पेट्रोल करते रहोगे। ओके इस वाले पे ना मैं थोड़ा बाहर की तरफ दूंगा, नहीं मेरे पास ट्रैप ही नहीं है, खैर छोड़ो। कोई बात नहीं, करते रहो उसमें विस्फोट जितना हो सके। मैं कुछ ट्रैप्स को वापस लेके आता हूँ, वो वाला ट्रैप ले लेता हूँ मैं यहाँ से, बेकार बैठा हुआ है यहाँ पर। ओके ये ट्रैप आ जाए, और ये वाला ट्रैप भी मैं यहाँ से ले लूँगा, अब ज़रूरत नहीं है। अभी तीन सर्वाइवर्स है, तो जितना हो सके मुझे क्लोज एरिया बनाना है। इसको इरप्शन का अंदर लूँगा, और शैक ब्लॉक करने जाऊँगा। शैक ब्लॉक करना पड़ेगा, पहला यहाँ पर सेट करता हूँ, थोड़ा मिडल पे फंस गया कोई फिर से। ऊपर वाले में फंसा है,
इसको रीसेट कर दूंगा। ओके, कोई फंसा था और दूसरा वाला यह ऊपर आ चुका था। इसको इरप्शन का अंडर ले लिया। इस वाला भी फिर से कोई बैठा है क्या? हाँ फिर से बैठा है। यहाँ पर अब एक ट्रैप सेट करना पड़ेगा। ट्रैप सेट कर दिया है, इस ट्रैप को ले लेता हूँ, ज़रूरत नहीं इसका यहाँ पर अभी। और शैक के पास जाता है और वो दूर वाला बिल वाला ट्रैप मैं बाद में लूँ। फिर से कोई फंसा है, ये विंडो वाले में फंसा है। अब उस वाले रैंक मैच में भी यही सेम सीन चल रहा था, मैं सिर्फ यहाँ से वहाँ पर सिर्फ ट्रैप रिसेट कर रहा था और इनको मतलब डैमेज कर रहा था। वापस क्यों आ गए? रीसेट, चलो। कोई है कि आसपास? हमेशा इतना नोटिस रखना कि आसपास कोई फ्लैशलाइट करने के लिए है नहीं, और हमेशा एक्सपेक्ट करके उन जगह उस तरफ फेस करके मतलब सर्वाइवर्स को पिक करना जिस तरफ से फ्लैशलाइट नहीं आ सकता है, समझ गए? वैसे करना। ओके, हुक हो जाओ। ओके, एक और फंसा है, यहाँ पर ट्रैप लगा देता हूँ फिर से। ओके, इसे चलो पहले इसको पिक करके कहीं पर हुक करते हैं। बिल शायद मेरा आखिरी स्कॉर्चुक है, तो इस बार स्कॉर्चुक में हुक करूँगा। ओके, तुम्हें ये जनरेटर वाला ट्रैप मैं नोटिस कर चुका हूँ, इसको अवॉइड करना। कभी कभार ऐसा होता है कि विगल के वजह से तुम अपने ट्रैप में खुद वैक्यूम हो सकते हो, तो अपने ट्रैप से बच के ट्रैप मतलब हुक करने जाना। और ये ख़त्म स्टोरी। अब इन दो ट्रैप्स को फिर से रीसेट कर देते हैं। इसीलिए ईडी स्टोन बहुत बढ़िया होता है ट्रैपर में, ज़्यादातर ट्रैपर प्लेस इसीलिए ईडी स्टोन को यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे तुम्हारा जो ट्रैप करने का हेडेक है वो नहीं रहता है, टू बी ऑनेस्ट। ये वाला ट्रैप ले लूँगा, ज़रूरत नहीं यहाँ पर अभी। सर्वाइवर्स यहाँ बढ़िया है? हाँ यहाँ बढ़िया है। वॉल्ट ट्रैप में जाएगी? नहीं जाएगी। इसको हुक करता हूँ और ज़ेना को ढूंढता हूँ। फंस भी गई। मुझे ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा, फंस गई। बहुत बढ़िया। इसको अब क्लासिक हुक में हुक कर देता हूँ बस। तो इतना ही था। ट्रैपर का गेम प्ले ऐसे ही खेलना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे ट्रैप करके एक एरिया को टोटल आइसोलेट करना है जहाँ पर, या फिर सर्वाइवर्स आकर ट्रैप डिजेबल करने में टाइम वेस्ट करेंगे, या फिर खुद ट्रैप में फंस के मरेंगे। तो यही है। तो मिलता है आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।